हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पीसी पे एंड्रॉइड सिस्टम कैसे चला सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि ये मेरे एग्जामिनेशन चल रहे थे। अब जब वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो वैकेशन स्टार्ट होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं लगातार वीडियोज़ डाल पाऊँ और अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो डाल पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च बार पे सर्च करना है नॉक्स एम्यूलेटर डाउनलोड। सर्च करने के बजाय आप bignox.com पे भी जा सकते हैं, पर कई लोगों को ऐसे परेशानी होते हैं यहाँ पे सर्च करने में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो इसको आपको फर्स्ट जो वेबसाइट है फ्री एंड्रॉयड एम्यूलेटर और पीसी डाउनलोड करने के लिए, तो इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड करने का, इस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे चाहो तो गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डाउनलोड लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सिंपली आपको डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको फाइल सेव कहाँ करना है। आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ सेव करना चाहो वहाँ सेव कर सकते हो। मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा, पर मैं इसको पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये डाउनलोड होगा। यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो होगा नॉक्स सेटअप और उसका वर्ज़न वहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स जो होता है वो थोड़ी लेट से भी ओपन हो सकता है, थोड़ी जल्दी भी ओपन हो सकता है। तो मेरा थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी देखते हैं कितना देर लगता है इसको। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको जस्ट सिंपली रन कर देना है। उसके बाद इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें स्टार्ट लिखा होगा। मेरे में ओवरराइट इंस्टॉल लिखा है क्योंकि मैं उसको पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको डायरेक्ट नॉक्स दे देगा और एक मल्टी ड्राइव भी देगा। मल्टी ड्राइव में पता नहीं क्या होता है, मैं आज तक उसको यूज़ नहीं किया हूँ, पर मैं ये जो नॉक्स है उसको यूज़ कर चुका हूँ। तो इसको नॉक्स को डायरेक्ट आप ओपन कर लीजिए डबल टैप करके। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा या फिर एक मेन्यू खुल जाएगा। उसमें थोड़ा सा नॉक्स 6 दिखाएगा और यहाँ पे लोडिंग होता रहेगा नीचे में, और यहाँ पे बहुत सारे हिंट्स भी दिखाते रहेंगे। तो जो हिंट रहते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं। हिंट्स जो रहते हैं उसमें बहुत सारा आपको ये जो है इसको सिंपल करने के लिए नॉक्स उसको सिंपल करने के लिए हिंट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाते हैं। कंट्रोल प्लस अल्टरनेट एक्स दबाओगे तो आपका जो नॉक्स है वो हाइड हो जाएगा। ऐसे ऐसे टाइप के अलग अलग ऑप्शंस दिखाते हैं। और ये लोडिंग स्टार्ट होने के बाद, मतलब लोडिंग कंप्लीट होने के बाद एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग दिखाएगा आपका, जो जैसे कि एंड्रॉयड डिवाइस बूट होता है उस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाएगा। और यहाँ पे ऐप्स को स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और ये कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा। उसके बाद डायरेक्ट सडनली आपका जो है नॉक्स वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ ओके या फिर एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा और ट्यूटोरियल थोड़ा सा दिखाएगा। पर मैं इसको पहले से इंस्टॉल करके यूज़ कर चुका हूँ, करके यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे कभी कभी ऐसे गूगल प्ले सर्विस स्टॉप हो जाते हैं, पर उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। गूगल प्ले सर्विस रियली चलते रहते हैं, पर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। और यहाँ पे आप चाहो तो बहुत सारे ऐप्स, गेम्स या फिर जो भी आप डाउनलोड करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थीम्स मिल जाते हैं अलग अलग, आप थीम्स चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो सेटिंग्स है वहाँ पे जाके आप रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो और रूट ऑन कर सकते हो। इस टैबलेट मोड को फ़ोन मोड पे ला सकते हो, फिर कस्टम आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो यहाँ पे। और आप वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो जो थीम है उसको चेंज करने के बाद डायरेक्ट वो अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे देता जरूर है अप्लाई करने का, पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, उसको आपको कट करके फिर से अप्लाई करना पड़ता है। जो पुराने वर्जन थे उसमें डायरेक्ट अप्लाई हो जाता था, रीस्टार्ट हो जाता था खुद ब खुद, पर इसमें आपको बंद करके फिर से ओपन करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका जो थीम है वो रेड प्लैनेट थीम हो गया, पर वॉलपेपर जो है उसको आपको खुद से चेंज करना पड़ता है। वॉलपेपर चेंज करना तो वैसे सभी को आता ही है। आपको जस्ट सिंपली सेटिंग्स पे जाना है, या फिर आप जो गैलरी में फ़ोटो सेव कर रहे हो या फिर अपने कंप्यूटर में फ़ोटो सेव कर रहे हो उसको नॉक्स प्लेयर के गैलरी में डाल देना है और वहाँ से डायरेक्ट उसको वॉलपेपर में सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको वॉलपेपर सेट करना भी सिखाई देता हूँ। थोड़ा इसमें अगर आपको अच्छे से बने नहीं सेट करते तो मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉयड फिर से स्टार्ट हो रहा है, ऐप्स भी फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका जो प्रोसेस है बार बार इसी तरीके से स्टार्ट होता है, कभी कभी तो अटक भी जाता है, मेरे साथ बहुत बार अटक चुका है। तो ये जो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक बार वॉलपेपर चेंज करना भी दिखा दूँगा। तो जैसे कि वापस से वही ब्लैक स्क्रीन, ये ब्लैक स्क्रीन आने के बाद वापस से वही पुराना वॉलपेपर आ गया। इसके बाद जब ऐप्स आ गए तब आपको यहाँ से टूल्स में जाना है, जो यहाँ पे ब्राउज़र के बाजू में टूल्स है और ऐप सेंटर के भी बाजू में ही है।
उसको टूल्स को दबाना है और वहाँ पे जो सेटिंग मेन्यू है उसको खोलना है। आपको देख सकते हैं आप फेसबुक लाइट पहले से इंस्टॉल करके देगा, गूगल प्ले गेम्स भी है यहाँ पे, डाउनलोड्स कॉन्टैक्ट सब आप कॉन्टैक्ट वगैरह सेव कर सकते हैं, फाइल मैनेजर है, पर इस फाइल मैनेजर में रूट का ऑप्शन नहीं है। यस फाइल एक्सप्लोरर आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको रूट इनेबल करना है। तो सबसे पहले आप अगर वॉलपेपर चेंज करना चाहो तो सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स अगर आप पहली बार खोल रहे हो तो आपको थोड़ा लेट लग सकता है, तो जैसे कि ये खुल चुका है। और इसके बाद आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पे चले जाना है। ये जो डिस्प्ले ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन दे देगा, और यहाँ से आप गैलरी से भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फाइल एक्सप्लोरर से भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर लाइव वॉलपेपर चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको कोई वीडियो से प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आप किसी दूसरे को भी ये जानकारी देना चाहते हो।